ऐसा रिजल्ट सामने आ गया। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो किन किन को पंजाब की ब्लॉगिंग की याद आ रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप में से बहुत से कमेंट आ रहे हैं, दीदी आप अपने मायके में कब तक रहोगे? तो ये चीज़ जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। मैं कब तक यहाँ रहूँगी मैं बता दूँगी, क्योंकि अभी बच्ची बहुत ज़्यादा छोटी है और आप लोग भी समझ सकते हो छोटे बच्चे को अकेले तो संभालना किसी के बस की बात होती ही नहीं है स्टार्टिंग में भी, जब तक वो 5-6 महीने के ना हो जाए। पर मे बी मैं जल्दी घर चली जाऊँ अपने वहाँ, या हो सकता है कि रुकूँ यहाँ पे लंबे टाइम तक, तो अभी मैं नहीं बता रही क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है और लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे सच में सब लोग बताना कि आप लोग मिस कर रहे हो पंजाब की ब्लॉगिंग को या नहीं। तो अभी मैं बाहर आई थी ब्लॉग स्टार्ट करने और काफ़ी दिन हो जाता ना बीच बीच में वीडियो में गैप हो जाती, पर अब ऐसा नहीं होगा कि गैप हो, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी रेगुलर डालने की। मैं कहती हूँ पर बच्चों के साथ थोड़ा दिक्कत होती है, पहले सारे काम खत्म करने होते हैं हम लोगों को, उसके बाद देखना होता है कि बच्ची सो रही है नहीं सो रही है, उसके बाद जब टाइम मिलता है फिर ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी आप लोगों को यहाँ पर रूम में लगता होगा ना, वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा ही रोशनी रहती थी, तो इस चीज़ को माइंड मत करिएगा। और यहाँ पे सृजा अपनी नानी के साथ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है सोते सोते। ऐसे एक कमेंट भी आया था कि जैसे बच्चे अगर सो रहे हैं चौंक जाते हो तो उनको एकदम पास में रखना चाहिए, भजन सुनाना चाहिए, तो मैं वो सारी चीज़ें करती हूँ फिर भी चौंक रही है। तो अब आप लोग बताना मुझे क्या करना चाहिए ताकि चौंकना कम कर दे। वैसे 2 महीने की है अभी, तो हो सकता है छोटे बच्चे इतना चौंकते ही हों। तो आज के ब्लॉग में आपको फुल डे रूटीन का ही पता लगेगा। चलिए सो गाइज, मुझे तो पता नहीं था KVS के रिजल्ट के बारे में, यहाँ तक कि मैं ये कहूँ आप लोगों से कि मैंने ध्यान भी नहीं दिया था कि KVS का रिजल्ट कब तक आ रहा है, क्योंकि इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। आप लोग को पता है बेबी होने के बाद एक बूंद टाइम नहीं मिलता है कि फ़ोन चलाऊँ देखूँ इधर उधर, तो बस अपनी वीडियो बनाने लगती हूँ, थोड़ा बहुत एडिट वगैरह करके किसी तरह अपलोड कर देती हूँ, बाकी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो आप लोग के कमेंट ही से पता चलता है मुझे, तो कमेंट्स आ रहे थे कि KVS में मेरे कितने मार्क्स आए हैं, तो मैं सोचा मैंने जितने पहले आंसर की जब आई थी तो मैंने अपने नंबर देखे थे और जितने नंबर थे मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, तो आप लोग चाहो तो देख सकते हो मेरे कितने मार्क्स थे। पर अगर अभी की बात करें तो मैंने कमेंट में उनसे पूछा कि क्यों क्या रिजल्ट आ चुका है, तो उन्होंने कहा हाँ रिजल्ट आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हुई मुझे। सबसे पहले ये था ना कि सरकारी रिजल्ट एक वो है वेबसाइट, वहाँ पे जाके चेक करते हैं, तो मैंने वहाँ देखा वहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा था KVS का, और तो मुझे पता नहीं है कि कहाँ से रिजल्ट देखा जाता है, तो वहाँ पे गई वहाँ पे दिखा नहीं। फिर मैंने कमेंट में उनसे पूछा कि अभी तो मेरा रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, या मतलब वेबसाइट पे ही नहीं KVS का शो कर रहा है, आपने देखा? उनका अभी तक मतलब कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैं तुरंत सचिन सर के आ गई, मतलब के यहाँ मीन्स उनके चैनल पे गई, वहाँ पे वीडियोस देखी, पर उससे समझ में नहीं आया। फिर मैं अध्ययन मंत्रा के राहुल सर जो हैं, सॉरी रोहित वैद्यवान सर हैं, क्योंकि ना जब मेरा KVS की प्रिपरेशन चल रही थी तो मैं 2 टीचरों को देख रही थी जो कि KVS के एग्ज़ाम की जर्नी पूरी मेरे साथ कंप्लीट कर रहे होंगे, उनको पता है। मैंने सचिन सर से भी नोट्स बनाई थी और राहुल सर की रोहित सर की कुछ वीडियोज़ देखा था, तो रोहित सर के चैनल पर 2 वीडियोज़ थी, एक तो शॉर्ट मतलब वीडियो थी वो ये रही आप लोग अभी आगे देख लेना, और एक लॉन्ग में थी, तो दोनों को देखा फिर पता चला कि फेक रिजल्ट आया है। आप लोग ये वीडियो देख सकते हो, न्यूज़ फेक हो जाती है बाद में, क्योंकि गलत होगी तो फेक होगी, सही होगी तो फिर इसका मतलब सब कुछ बढ़िया होगा, तो आजकल ये चल भी रहा है। और अगर उन्होंने दी थी तो आपके लिए दी थी, उन्होंने अपने लिए भी नहीं दी थी खबर इसमें। लेकिन इस बीच में ना आज फिर देखिए अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ कि एक ऐसा रिजल्ट सामने आ गया कि रिजल्ट सामने आते ही ना बताए अभी जो मैसेज में मैसेज हमारे सामने आ रहे थे, तो मैसेज में मैसेज सामने आते आते तो ये सामने आया कि भाई KVS का रिजल्ट आ गया, टीम का फोन आना शुरू हो गया, रिजल्ट आ गया, बच्चे फोन पे फोन किए जा रहे हैं, रात को IVR इतना बजा था परेशान, तो मैंने कहा अच्छा देखो भाई। और मैं वीडियो भी नहीं बनाते इसलिए क्योंकि अभी भी लगातार बहुत सारे ग्रुप और उसमें चलती रहेगी बात। वेबसाइट को अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ पर जो गड़बड़ हुई है वो क्या है, इसको देखो ध्यान से ज़रा। ऐसे यहाँ अगर आप जाओगे ऊपर की तरफ तो देखो PRT लिख दिया है, तो इन्होंने जिसने फेक बनाई, उसके बाद ये शायद यहाँ भूल गए कि आगे भी ट्रेन जो मेहनत तो करनी नहीं, चोरी करने में भी थोड़ी सी मेहनत तो कर लेते हैं। यहाँ पर देखो TGT, तो जो आगे के पेजेस आप देखोगे तो उसमें आप जो देख रहे हैं ना नंबर जो
सो गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद मेरा तो दिमाग ऐसे खराब हुआ, मतलब क्या है हद मचा रखी है। रिजल्ट, एक तो एग्जाम कराना था, तब तो बहुत जल्दबाजी थी कि एग्जाम कराना है। रिजल्ट देने के लिए था कि चलो बीटीसी बीएड वाला फैसला आ जाए, उसके बाद जारी करेंगे। तो फैसला भी आ चुका है पर अभी तक रिजल्ट नहीं आया। मुझे लगता है कम से कम एक दो हफ्ते तो लगेंगे केवीएस का रिजल्ट आने में, और जब भी रिजल्ट आएगा मेरे जितने भी मार्क्स रहेंगे मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहना, क्योंकि जब पढ़ाई साथ में सबने की तो रिजल्ट शेयर करने में कुछ भी नहीं जाता है। और उस टाइम पे मुझे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे मंथ चल रहा था मेरा, उसने के बीच में एग्ज़ाम हो गया था। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी सहने के बाद मैंने किसी तरह एग्ज़ाम दिया। आप सबको पता है बहुत मेहनत करी, फिर रिजल्ट तो ऐसे अटका अटका के आ रहा है कि पूछो ना। आ जाए सीधा सीधा जल्दी से पता लग जाए कि हाँ अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कौन कौन कर सकता है, क्या कट ऑफ है। क्योंकि अगर मान लो किसी बच्चे के 100 नंबर है तो ऐसा नहीं कि वो 100 मान के चले, नॉर्मलाइजेशन होना बच्चा है अभी, तो उसके नंबर 90 भी हो सकते हैं और 105 भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा माइंड में कंफ्यूजन चल रही है कि इंटरव्यू की कोई प्रिपरेशन करे या ना करे। सो गाइज, आप लोग भी इस चीज़ से रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम सह रहे होंगे, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद बहुत ज़्यादा वो लग रहा है। बस गुस्सा ये लग रही है कि अगर एग्ज़ाम कराने की इतनी जल्दी थी तो रिजल्ट भी टाइम पे दे दें, और फिर जो आगे का प्रोसेस है वो ख़त्म करें फटाफट, उसको क्लियर करके। रही बात सुपर टेट की, तो सुपर टेट के आने की बिल्कुल भी आसार नहीं दिख रहे। अब तो मैं थक हार चुकी हूँ इंतज़ार कर करके। उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम होती है, ऐसा सिर्फ डायलॉग होता है। अब बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि हाँ एक्सेप्ट कर लूँ इस चीज़ को कि सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। तो मैं इस चीज़ पे भी कुछ नहीं कह सकती कि नहीं बस अब सुपर टेट की प्रिपरेशन ही करूँ। इसलिए इससे अच्छा ना कि जो जहाँ जो मिल रहा है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, बस किसी एक चीज़ को पकड़ के पीछे मत रुको। जैसे मैंने गलती करी सुपर टेट के चक्कर में, बहुत चीज़ें अपनी लाइफ में छोड़ दी कि हाँ वैकेंसी आएगी फिर करूँगी, जॉब लग जाएगी तब ये चीज़ ऐसे होगा वैसे होगा। तो इन सब चीज़ों को भूल जाओ, बस अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। कोई भी किसी चीज़ का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी तो अब देखते हैं कब तक केवीएस का रिजल्ट आता है। एक उसके बाद ही लोग कह रहे थे कि अक्टूबर में यूपी टेट होगा, यूपी टेट के भी कुछ आसार नहीं दिख रहे हैं। सितंबर ख़त्म, अक्टूबर आने वाला है, कहाँ यूपी टेट नहीं होने वाला है। अब कुछ दो चार यूट्यूब चैनल हैं जिनको मैंने अभी देखा था सुपर टेट के लिए, टेंशन रहते हैं ना, तो फिर क्या करें, इंसान यूट्यूब पर ही सर्च करता है। फिर उन्होंने कह दिया, पता नहीं कौन से सर थे, भूल गई नाम, ऐसे ही मैंने कभी देखती नहीं, बट बड़ा बड़ा सा सुपर टेट लिखा हुआ था नोटिफिकेशन, तो उनका चलो देख लेते हैं वो वीडियो। उन्होंने अब बताया कि नवंबर दिसंबर में यूपी टेट हो सकता है। अब तक तो दिसंबर तक सुपर टेट की संभावना बन रही थी, अब यूपी टेट की संभावना बन रही है दिसंबर तक। तो वैकेंसी कुछ नहीं कह सकते, आएगी नहीं आएगी क्या ही होगा। खैर चलिए, अब केवीएस के रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बस रिजल्ट को आने आने की तैयारी। और आज देखिए काम कौन कर रहा है, क्या बना रही हो? करायल, जिसको पता हो कमेंट में बताना। इसमें भरवा रहता है और बेसन तरस चाय। किसके लिए आए हैं ऑर्डर देने? किसके लिए सीएम? अच्छा अच्छा, ये बन रहा है यहाँ पर भिंडी का भरवा और करायल। आप लोगों से पूछा ही मैंने, जिसको पता हो वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके साथ होता है भिंडी का भरवा और करेले का और बैंगन का और शिमला मिर्च टमाटर, मतलब जो भी घर में हो आप जिससे भी भरवा बनाना चाहते हो तो भरा सकते हो। और जिससे मुझे याद है शिमला मिर्च रखा है ना बोल रही, हाँ। दो चार भरवा शिमला मिर्च के बन जाए। तो ये वीडियो जब जीजू देखेंगे तो वो भी सोचेंगे कि कितनी करता काजी लड़की है ये। क्यों, अब घर में रह रहे तो काम तो करेंगे, मम्मी भी आ गई है साथ में काम कराने। एक कमेंट है, उसका रिप्लाई दो। अच्छा ये कमेंट है, हाँ। तो आप लोग ये कमेंट पढ़ना। और मैं सच बताऊं, अभी मेरी बेटी 2 मंथ की होने वाली है, लेकिन बेल्ट के अकॉर्डिंग पहले जब मुझे मतलब मीडियम साइज का बेल्ट लगा, जब मेरा पेट तब बहुत ज्यादा निकला था, ऑपरेशन के बाद तो इतना ज्यादा निकला था कि लग ही नहीं रहा था कि बेबी बाहर आ चुका है। तो मैं उसको बहुत हल्का सा बंद करती थी सिर्फ किनारे से, उसके बाद धीरे 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 पेट सूखता गया। और अभी मैंने बेल्ट लगा रखी है अंदर, क्योंकि ना लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर बिना लगाए मैं अभी भी चलती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है पेट हिलता है, काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। और हाँ, रिलीफ बिल्कुल मिलेगा। तो जब तक आपका पेट आपको नहीं लगता है कि आपके नॉर्मल शेप में आ चुका है, तब तक अगर आपने बेल्ट खरीद ली है तो पूरा यूज़ करिए और बेल्ट जरूर लगाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेल्ट से फ़ायदा मिलेगा? हाँ बिल्कुल, मेरा पेट अंदर गया है, काफ़ी अंदर नहीं गया है, क्योंकि टाइम से अंदर जाएगा। ये नहीं कि आज लगाया और एक महीने बाद पूरा पेट सही हो गया पहले की तरह,
पर हाँ धीरे धीरे करके वो अंदर जा रहा है पेट। और अगर आप लोग इससे रिलेटेड कोई से भी कमेंट में क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका कमेंट जरूर लूंगी। तो अभी खाना रेडी है और मैं भी अब ठीक हो चुकी हूँ। ऑपरेशन के 2 महीने लगते हैं मैक्सिमम आपको ठीक होने में, तो अब उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही मुझे पेट में दर्द या कहीं भी दर्द का फील भी होता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ थोड़ा बहुत काम घर के ज़रूर निपटा दूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना मम्मा जब काम कर रहे। और आज तो गोल्डी की तबीयत भी सही नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा थोड़े बहुत काम कर देती हूँ। तो बर्तन रखे थे 2-4, उनको धुला और गैस साफ़ किया। वैसे भी वैकेंसी आ नहीं रही, सुपर टेट हो नहीं रहा है, तो मतलब दिन बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सा हो रहा है इस टाइम पे। आप में से जो भी सुपर टेट की वैकेंसी का वेट कर रहे हो मुझे बताना सुपर टेट के लिए। तो बस यार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात का कि ना ढंग से कुछ हो रहा है ना रिजल्ट आ रहा है। तो बस कहीं ना कहीं हम लोग के इमोशंस के साथ खेला जा रहा है ये सारी चीज़ें।